नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको नई नई अपडेट, नई नई वैकेंसियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये आज ही का अपडेट है, आप देख सकते हो 6/5/2021 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो 105 पदों पर चिकित्सकों और प्रोफेसरों की भर्ती होगी। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी हम बताते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या जानकारी है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, प्रोफेसरों और चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द ही होगी भर्ती। राजमेश सोसाइटी के अधीन संचालित 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या है भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस। प्रोफेसरों और चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द ही होगी भर्ती। राज्य में सोसाइटी के अधीन संचालित 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती। महाविद्यालयों में नवीन पदों का सृजन करने और इन पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव किया अनुमोदन, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। क्या है इसकी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस? मुख्यमंत्री गहलोत ने दी फाइल को मंजूरी। 7 नए महाविद्यालयों में प्रोफेसर चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नवीन पदों का सृजन करने और इन पदों पर जल्द भर्ती करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया। एनालिस्टिक और डेंटिस्ट विषयों में एक एक प्रोफेसर, चर्म रोग, मनोचिकित्सा, ईएनटी और नेत्र रोग विषयों में एक एक एसोसिएट प्रोफेसर, बाल रोग और हड्डी रोग विषयों में एक एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सृजित होंगे। एनेस्टिक बाल रोग और हड्डी रोग के लिए एक एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, बाल रोग और हड्डी रोग के लिए दो दो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद भी सृजित। 9 सृजित 105 पदों पर राज्य में सोसाइटी के सेवा नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। दोस्तों, 7 नए चिकित्सक महाविद्यालयों में 105 पदों पर जल्द ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो प्रोफेसर का भी है, चर्म रोग है, मनोचिकित्सक है, ईएनटी है, नेत्र रोग है, और इसके अलावा एक एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, एक एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है, बाल रोग, हड्डी रोग, दो दो रेजिडेंट डॉक्टर, ऐसे कुल मिलाकर के 105 पदों पर जल्द ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फाइल को मंजूरी दे दी है, जल्द ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस शुरू होगा तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।